हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IIIT सूरत की, जिनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर PhD। सो लास्ट डेट 30 जून है। इन केस आप अप्लाई करना चाहते हैं तो देर मत करिएगा। ओके, सो यस, उसी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, टू द पॉइंट ही बात करेंगे, डोंट वरी। सो IIIT सूरत.ac.in ये है वेबसाइट, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। तुरंत ना मिले तो कुछ टाइम के बाद देख लीजिएगा, कुछ टाइम इन द सेंस 1-2 आवर्स के बाद। ओके, सो यस, आपको यहाँ पे इस वेबसाइट पे विजिट करना होगा, देन स्क्रॉल करिएगा। यहाँ पे नोटिफिकेशंस का सेक्शन है, इसमें आपको दिख गया होगा PhD प्रोग्राम नोटिफिकेशन। तो चलिए इस PDF को ओपन करते हैं एंड देखते हैं। सो यस, ये है एडमिशन नोटिफिकेशन IIIT सूरत। सो यहाँ पे डिसिप्लिनस की बात करते हैं पहले, तो CSE है, ECE है एंड अप्लाइड फिजिक्स है। ओके, सो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड फिजिक्स। ओके, ये तीन डिसिप्लिनस हैं सबसे पहली बात। देन कैटेगरीज हैं, सो कैटेगरीज में रेगुलर है, एक्सटर्नल है एंड पार्ट टाइम है। रेगुलर कैटेगरी में 3 सब कैटेगरीज हैं, आई कैन से 3 नहीं, इनफैक्ट आई थिंक 5 आई कैन से। सबसे पहले है विद असिस्टेंटशिप, जहाँ पे अगर आप एडमिशन लेते हैं, आपका एडमिशन होता है विद इंस्टीट्यूट फेलोशिप, तो आपको फेलोशिप मिलेगी इंस्टीट्यूट की तरफ से। नेक्स्ट कैटेगरी है विदाउट इंस्टीट्यूट फेलोशिप। देन उसके बाद है प्रोजेक्ट कैटेगरी, प्रोजेक्ट सपोर्ट के साथ भी चाहें तो आप एडमिशन ले सकते हैं। ओके, ये 3 एक तरह से कैटेगरीज हो गई। देन है फंडिंग, आपको कोई और एजेंसी करे, दैट इज़ आपके पास GRF है या कोई और फेलोशिप है या इंडस्ट्री करे। ओके, एंड देन थर्ड है रेगुलर फुल टाइम में ही नेक्स्ट QIP कैटेगरी, राइट। सो यस, ये कैटेगरीज हो, सब कैटेगरीज हो गई। रेगुलर के अंडर रेगुलर PhD इतने टाइप्स के हैं आई कैन से। नेक्स्ट एक्सटर्नल है, सो एम्प्लॉयड हो आप एंड स्पॉन्सर आपको कोई और ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा करे जिनमें R&D फैसिलिटीज एंड वो रिकोगनाइज हो बाय DST या फिर IIIT सूरत के द्वारा, एंड साथ में 2 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन है पार्ट टाइम, जिसमें एम्प्लॉयड हो आप किसी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री में, इंस्टीट्यूशन में, एंड बाकी कम्यूटेबल डिस्टेंस में हो एंड 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, ये हो गई कैटेगरीज। देन यहाँ कुछ बेसिक थोड़े से पॉइंट्स हैं तो इनको भी देख लीजिएगा। देन यहाँ पे है मिनिमम क्या है, रिक्वायरमेंट या क्राइटेरिया। सो गेट रिक्वायर्ड है या नहीं देख सकते हैं आप, यस रिक्वायर्ड है। इन केस MSc आपने किया है किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो MSc किया है तो साथ में गेट होना चाहिए या नेट हो। ओके, फेलोशिप हो। ओके, एंड उसके अलावा सपोज आप PhD इन इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, ECE या फिर CSE में अप्लाई कर रहे हैं, उस केस में ME M Tech हो या MS बाय रिसर्च हो, 5 ईयर मास्टर्स हो, ड्यूअल डिग्री हो इन रिलेवेंट इंजीनियरिंग में, 2 ईयर MSc हो IITs के थ्रू एंड IIT में एडमिशन जैम के थ्रू लिया हो, एंड MSc में आपके जो मार्क्स हैं या CGPA है वो 8 होना चाहिए मिनिमम। ओके, देन या फिर अगर आपने BSc MS 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किसी और CFTI से किया है तो आप भी एलिजिबल हैं। इनमें से कोई भी डिग्री है और आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में गेट नेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, एंड ये एरियाज हैं जो कि अवेलेबल हैं। देन अप्लाइड फिजिक्स में अप्लाई करें तो अगर आपके पास ME, M Tech, MS इनमें से कोई भी डिग्री है जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया तो उस केस में गेट नहीं रिक्वायर्ड है। बट सपोज आपने किसी और यूनिवर्सिटी से किया हुआ है फिजिक्स में मास्टर्स एंड आप अप्लाई करना चाहते हैं, उस केस में वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए या फिर UGC नेट फेलोशिप हो या CSIR नेट फेलोशिप हो। तो बेसिकली सिर्फ नेट नहीं, फेलोशिप होनी चाहिए या फिर वैलिड गेट स्कोर हो। ओके, एरिया आप देख सकते हैं कंडेंस मैटर फिजिक्स एंड नैनोटेक अवेलेबल है। देन बाकी जो ये क्राइटेरिया है ये तो बेसिक मिनिमम है, बेयर मिनिमम है। देन आप इससे ज़्यादा भी स्ट्रिंजेंट जो क्राइटेरिया है वो देख सकते हैं स्क्रीनिंग या शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। ओके, एंड यस, बाकी QIP एक्सटर्नल पार्ट टाइम के लिए वैलिड गेट स्कोर को या इस कंडीशन को वेव किया जा सकता है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, सो स्क्रीनिंग होगी, शॉर्ट लिस्ट होंगे रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के लिए, मोस्टली इंटरव्यू होता है बट दोनों भी हो सकता है, ठीक है। एंड बाकी अगर आपने जो PG डिग्री है मास्टर्स वो 10 साल किया है, 10 साल से पहले किया, तो उस केस में आप ज़रूर जो डिपार्टमेंट का टेस्ट है वो देंगे एंड आफ्टर दैट एडमिशन है तो इसको देख सकते हैं आप। देन अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म वैसे यहाँ पे है, क्लिक हियर टू अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है ना, इसके थ्रू आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, उसे आप फिल करेंगे पहले। ओके, उसको प्रिंट करके आपको स्कैंड कॉपी यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे साइन वगैरह करनी है। ओके, उस स्कैंड कॉपी को देन साथ में आपके सभी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होंगे, एप्लीकेशन फी रिसीट होगा। ओके, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको एक PDF में कन्वर्ट करने हैं एंड गूगल फॉर्म पर यहाँ पर
उसे अपलोड कर देने हैं। ओके, ये सिंगल फाइल में होंगे ऐसा लिखा हुआ है। साइज़ कितनी है वो यहाँ पे लिखिए, 10 MB से कम साइज़ होनी चाहिए। देन एप्लीकेशन फ़ी 500 है, बाकी SC ST एंड PWDs के लिए इट इज़ 250 रुपीज़। आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे, ये रही अकाउंट की डिटेल्स, UTR एंड डेट ऑफ ट्रांजेक्शन आपको गूगल फॉर्म में लिखनी है। ओके, एंड ये जो रिसीट होगी वो आपको एप्लीकेशन के साथ अटैच करनी है। एप्लीकेशन फ़ी ऑब्वियसली नॉन रिफंडेबल है। देन SOP भी यहाँ पे सबमिट होगा, आई थिंक ये राइट ओके टाइपराइट करना है तो बेसिकली लिखना होगा आपको एप्लीकेशन में। देन यहाँ फेलोशिप है, तो अगर आप इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैटेगरी में सेलेक्ट होते हैं तो आपको फेलोशिप मिलेगी। देन इंपॉर्टेंट डेट्स, लास्ट डेट इज़ 30 जून। देन शॉर्टलिस्टिंग, जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्हें इंटीमेट किया जाएगा 18 जुलाई तक। एंड रिटन टेस्ट इंटरव्यू की डेट है 29th and 30th of July, ठीक है, 29-30 जुलाई ऑफलाइन मोड से होगा। एंड देन फाइनल लिस्ट आएगी 5th of August को। देन यहाँ पे आप चाहें तो और इन्फॉर्मेशन के लिए वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। एंड देन क्लिक हेयर का है ऑप्शन, तो चलिए इसे ओपन करते हैं। सो अगेन सॉरी, एक्चुअली ये सेम यहाँ पे भी ये गूगल फॉर्म का लिंक है, तो इससे पहले यहाँ पे देखिए लिंक नहीं दिया था। आप एक बार वेबसाइट के नोटिफिकेशंस में चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म का, या फिर आई विल ट्राई कि डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दें तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। एंड बाकी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू अप्लाई देन येस डू अप्लाई बिफोर 30th of June 2022। सो येस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।